गाइस काफ़ी केस में ऐसा होता है कि आप लोग अपने फ़ोन में कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे आप लोग जो है नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेते हैं। गाइस यहाँ पे आप लोग जो है नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग का हो जाता है और गैलरी में सेव हो जाता है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ती है। ऐप रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऐप रेस्ट्रिक्ट कैप्चर, तो यहाँ पे ये आप लोग को मिलता है ऐप रजिस्टर कैन नॉट कैप्चर। तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोग को क्यों आती है वो आप लोग मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप लोग जो है फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे होते हैं अगर आप लोग किसी यहाँ पे इंटरफेस का अगर आप लोग कैप्चर लेना चाहते हैं या आप लोग कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, आप लोग कोई पेटीएम या फ़ोनपे की कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिसमें आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या ट्रांजेक्शन आई डी का कैप्चर लेना चाहते हैं तो वो कैप्चर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं अपना पेटीएम वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, कैप्चर है वो तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप्चर हो गया। अब मैं लोगों पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग, या यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगा तो ये देख सकते हैं ऐप रेस्ट्रिक्ट। तो ये आप लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को आप लोग जो है फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये जो आपकी प्राइवेसी और आप लोग की सिक्योरिटी के लिए ये यहाँ पे कैप्चर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे फ्रॉड होते हैं अगर आपका कोई फ़ोन ले लेता है और वो कैप्चर लेके अपने फ़ोन में सेंड कर लेता है तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए ये वाली जो एप्लीकेशन होती हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए ये गूगल जो यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन है, तो ये पेटीएम ने यहाँ पर इस इंटरफेस पर एक प्राइवेसी लगाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर इस इंटरफेस पे, तो इसने इस इंटरफेस पे प्राइवेसी लगाया हुआ है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, ये इस एप्लीकेशन की यहाँ पे जो एक इशू रहता है, इशू नहीं होता, ये आपकी प्राइवेसी के लिए एक सिक्योरिटी होती है जो आप लोग को यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे इस इंटरफेस का तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये अगर आप लोग यहाँ पे किसी का आप लोग जाएंगे और ये जो लॉक्ड प्रोफाइल है, अगर आप लोग यहाँ पे फेसबुक पे किसी की लॉक प्रोफाइल है, मतलब एनी किसी भी कोई ऐसे पेज होते हैं, कोई ऐसा इंटरफेस होता है, अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप लोग को इसी तरीके की सेम प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ती है। तो ये एक प्राइवेसी होती है और फेसबुक ये जो प्राइवेसी दे रही है, ये जो पर्सन है उसको यहाँ पे प्राइवेसी दे रही है, इसकी वजह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, कहीं कोई एप्लीकेशन बताता है और कहीं कुछ एप्लीकेशन बताता है। यूट्यूब पे आप लोग ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो इससे आप लोग का कैप्चर हो जाएगा। वो हालांकि यहाँ पे दिखाते भी हैं, प्ले स्टोर पर अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग टाइप करके सर्च कर देंगे तो काफ़ी लोगों ने ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको भी चेक किया है, ये स्क्रीनशॉट जो है प्राइवेसी को रोकता है और आप लोग की स्क्रीन को ब्लैंक करके कैप्चर कर लेता है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को जो भी स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं कोई भी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेसी लगी है तो वो लगी है। ठीक है गाइस, तो ये प्राइवेसी आप लोग यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पे मोड APK जो है डाउनलोड करके बताए हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं है, और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे उस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप लोग स्क्रीन कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन कैप्चर तो हो जाएगा, उल्टा सीधा आप लोग काम करके कैप्चर कर लेंगे दो तीन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, लेकिन यहाँ पे आपके फ़ोन की प्राइवेसी है वो यहाँ पे बेकार हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों का जो प्राइवेसी है वो ख़राब हो जाएगा और इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वही एप्लीकेशन आप लोग का फ़ोन का जो डेटा है वो हैक कर लेंगी और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है कुछ ना कुछ आपको नुकसान वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं और आप लोग प्राइवेसी को रोक के अगर आप लोग कैप्चर लेते हैं तो यहाँ पे बाद में आप लोगों को इसका नुकसान मिल सकता है और आप लोग इसके बाद में खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। तो गाइस अगर आप लोग ऐसा करते हैं और प्ले स्टोर से बाहर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग अपने फ़ोन का कैप्चर लेते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए ये आप लोगों ने रिक्स वाला काम कर लिया है। तो ऐसा आप लोग काम बिल्कुल मत करना, प्राइवेसी को मत तोड़ना अपने फ़ोन की, और जो भी एप्लीकेशन की प्राइवेसी लगी हुई है वो आप लोग की सिक्योरिटी के लिए ही लगी हुई है। ठीक है गाइस, सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से एक लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं
तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।